हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट किया था एंड देन हमने 20 का एक्सप्लेनेशन दिखा था। उसमें हमने क्या दिखा? अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी की बिलोंगिंग होती है उसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अब कोई भी चीज़, सपोज़ ये अभी मैं, ये बुक है, ये मेरी है, देन वॉट आई विल से, इट इज़ माई बुक, राइट? अगर आप बोलोगे तो इट इज़ शबाना मैम बुक, राइट? शबानाज बुक, दिस वे। सो हमने वो देखा। नाउ टुडे वी विल मूव टू एक्सरसाइज पोर्शन, ओके? क्वेश्चन नंबर ए, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैच द फॉलोइंग करना है। सी पहले क्या है? हॉर्स सैडल्स। हॉर्स दिख रहा है, सो उसके साथ ज्वाइन करो। देन नंबर बी, ब्रूनोस कॉलर। ब्रूनो दिख रहा है। फिर नंबर थ्री, ईशास चेयर। ईशा का चेयर दिख रहा है, यस। मीताज रिंग, मीता का रिंग दिख रहा है, यस। हनीफ्स बैट, हनीफ का बैट दिख रहा है, यस। टीनाज बुक, टीना का बुक दिख रहा है, यस। सो इसमें क्या दिखाया? हॉर्स सेडल मतलब हॉर्स का सेडल, राइट? इसको सेडल बोलते, सी इसको सेडल बोलते, हॉर्स का सेडल, राइट? देन नंबर टू, ब्रूनोस कॉलर। ब्रूनो का कॉलर, सी ये बेल्ट है ना, ब्रूनो का कॉलर। सो ब्रूनो का कॉलर। ईशास चेयर, चेयर किसका? तो ईशा का। ईशास चेयर, ईशा का मतलब वो चेयर है वो किसकी है? ईशा की है। तो ये बिलोंगिंगनेस दिखा रहे कि चेयर ईशा का है। मीताज रिंग, रिंग किसकी है? मीता की है। सो ये मीता की बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है। रिंग किसकी? तो मीता की रिंग, राइट? फिर हनीफ्स बैट, बैट किसका? तो हनीफ का, राइट? बिलोंगिंग, हनीफ्स बैट। बहुत सारे हनीफ है उसने, बट इसमें अभी हमने एपोस्ट्रॉफी एस लिखा है, मतलब हनीफ का बैट, बैट है वो बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है हनीफ के साथ। देन टीनाज बुक, बुक किसका है? टीना का, मतलब टीनाज बुक, ये जो बुक है वो टीना से बिलोंग करता है, टीना से, इसलिए वी विल पुट टीनाज बुक। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ शैल वी मूव अहेड? ओके। व्हेन द प्लूरल नाउन एंड्स विथ एस, वी यूज ओनली द एपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द वर्ड। सी, जब प्लूरल नाउन आउन एंड सो एस से, प्लूरल मतलब क्या? एक से ज़्यादा, ओके? गर्ल्स, बॉयज, टॉयज, नेस्ट, साइकिल्स, बाउल्स, लाइक दिस, बहुत सारे। जब वो प्लूरल में हमको देना होता है तो हम अपोस्ट्रॉफी कहाँ करते हैं? पीछे करते हैं। देखो इधर दिया है, द गर्ल्स ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, मतलब सभी गर्ल्स के जो ड्रेस है वो ब्यूटीफुल है। गर्ल्स ड्रेस मतलब वो ड्रेस किसके बिलोंगिंग है? गर्ल्स के, मतलब अभी बहुत सारी गर्ल्स है उसके बारे में हम बात करें, उनके ड्रेस के बारे में बात करें, उनका बिलोंगिंगनेस है ना ड्रेस में। गर्ल्स, सपोज चार गर्ल्स बैठी है तो चारों ने अच्छे ड्रेस पहने, ओके? सो उन चारों का हमको एक साथ बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? द गर्ल्स ड्रेसेस, गर्ल्स के ड्रेसेस, ओके? फिर द बॉयज शूज़ आर ब्लैक, सभी बॉयज के शूज़ ब्लैक, मतलब बॉयज के शूज़, बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज, तभी हम एपोस्ट्रॉफी पीछे लगाए गए, एस लिख के फिर पीछे कॉमा करेंगे। द प्लेयर्स कैप आर ब्लू, प्लेयर्स के कैप ब्लू, मतलब चार प्लेयर है उसके कैप ब्लू है। सो सब का बोलना है बट बिलोंगिंगनेस किसके दिख रहे? प्लेयर्स की, ओके? समझ में आ गया ये वाला? देन द बॉयज, द वर्ड गर्ल्स बॉयज एंड प्ले शोज पोजिशन। ये पोजिशन दिखा रहा है ना आपको कि गर्ल्स का, बॉयज़ का, प्लेयर्स का, दिस नाउन आर इन द प्लूरल नंबर,
यस गर्ल्स मतलब तो बहुत सारी गर्ल्स है, बॉयज़ मतलब भी बहुत सारे बॉयज़ है, प्लेयर्स मतलब भी बहुत सारे, बट वो गर्ल्स के बॉयज़ के और प्लेयर्स के बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है, जैसे कि गर्ल्स के ड्रेसेस थे, बॉयज़ के शूज़ थे और प्लेयर्स के कैप थे, गॉट इट? देन द सेंटेंस टॉक अबाउट ड्रेस दैट बिलोंग टू गर्ल्स, मैंने आपको बताया ड्रेस वो किसके बिलोंग है, गर्ल्स के लिए, शूज़ दैट बिलोंग टू मैनी बॉयज़, शूज़ जो है बहुत सारे बॉयज़ को बिलोंग करते हैं, द कैप्स दैट बिलोंग टू मैनी प्लेयर, वो बॉयज़ जो है उनका सॉरी कैप जो है वो सब प्लेयर्स को बिलोंग करता है, राइट? इसलिए हमने एपोस्ट्रोफीस पीछे लगाया। देन मूव टू पेज नंबर 103। व्हेन प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस, जब प्लूरल नाउन एस से ना एंड, वी यूज एपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, मैंने आपको तो पहले ही समझा दिया, जब प्लूरल नाउन एस से ना एंड हो रहा हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ऐसे। सी फॉर एग्जाम्पल पुट अवे द चिल्ड्रंस टॉय, टॉयस किसके, चिल्ड्रंस के, पोजिशन दिखा रहा है, एक बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है कि चिल्ड्रंस के टॉयज, द मैंस फुटबॉल टीम वॉन द गोल्ड मेडल, मैंस का फुटबॉल टीम, राइट? द शॉल इज मेड अप ऑफ शिप्स वुल, शिप शिप का वुल, राइट? द वुमेन्स रेस विल बिगिन इन एन आवर, वुमेन का रेस एक घंटे में चालू होगा, इन वन आवर, राइट? गॉट इट? ओके श्योर, शैल बी, समझ में आ गया एस कब एपोस्ट्रॉफी एस कब यूज़ करना है और एस के बाद एपोस्ट्रॉफी कब यूज़ करना है। एपोस्ट्रॉफी एस हम कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर चीज़ के लिए, जैसे कि ये बुक मेरी बिलोंगिंगनेस है, सो मैं अकेली, तब हम जब ए सिंगुलर की बात कर रहे हो तभी आप एपोस्ट्रॉफी एस करो, बट जब प्लूरल की बात कर रहे हो तब एपोस्ट्रॉफी एस मत करो, एस प्लूरल लिखो, पहले एस लिखो एंड फिर बाद में एपोस्ट्रॉफी करो, गॉट इट? देखो इसमें दिया है व्हेन द नाउन इज इन सिंगुलर द एपोस्ट्रॉफी कम्स बिफोर एस, यस मैंने आपको बताया जब नाउन सिंगुलर में हो तब एपोस्ट्रॉफी एस के पहले आएगा लाइक दिस, और जब व्हेन द नाउन इज इन प्लूरल, जब नाउन प्लूरल में तो एपोस्ट्रोफी एस के आफ्टर आएगा ऐसे, गॉट इट? सो नाउ शैल वी मूव टू एक्सरसाइज पोर्शन, ओके नंबर क्वेश्चन नंबर बी, रिप्लेस द वर्ड्स इन कलर विद वर्ड्स यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी, ओके वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो नंबर वन द टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रन, सो किसकी बिलोंगिंग है, चिल्ड्रंस की, सो टॉयज चिल्ड्रन, द नेस्ट बिलोंग्स टू स्टॉक्स, सी इसमें है इसमें क्या है, स्टॉक्स है बहुत सारे, सो इसमें पीछे आएगा लाइक दिस, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी, दिस साइकिल बिलोंग टू गार्डनर, ये साइकिल गार्डनर की है, सो गार्डनर्स साइकिल, गार्डनर की साइकिल, राइट? नंबर थ्री द बाउल बिलोंग टू माई डॉग, बाउल किसका है, डॉग का है, तो डॉग्स बाउल मतलब डॉग का बाउल। धन नंबर फाइव दिस बैट बिलोंग्स टू श्रेया, जो बैट है वो श्रेया का है, तो श्रेयास बैट, श्रेया का बैट, राइट? द कॉटेज बिलोंग्स टू फार्मर, फार्मर्स कॉटेज, फार्मर का कॉटेज। देन द कार बिलोंग्स टू अ डॉक्टर, डॉक्टर्स कार मतलब डॉक्टर का कार। दिस नोटबुक बिलोंग्स टू नेहा, नेहाज नोटबुक मतलब नेहा की बिलोंगिंगनेस है। दिस कारवेल्स बिलोंग टू वुमेन, वुमेन्स कारवेल्स, इसको कारवेल्स बोलते हैं, सी कारवेल्स, ओके। देन दिस दोज क्राउन्स बिलोंग टू द प्रिंसेस, सो यहाँ भी ऐसे यार प्रिंसेस और फिर पीछे ऐसा एपोस्ट्रॉफी आएगा, गॉट इट? प्रिंसेस का क्राउन्स, सो एक बार रीड कर लेते हैं हम। नंबर वन दोज टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रन, टॉयज किसके बिलोंगिंग है, चिल्ड्रन की, चिल्ड्रंस टॉयज।
दिस नेस्ट बिलोंग टू स्टॉक्स, स्टॉक्स नेस्ट. नंबर थ्री, दिस साइकिल बिलोंग टू गार्डनर, गार्डनर्स साइकिल. नंबर फोर, द बाउल बिलोंग टू माई डॉग, डॉग्स बाउल. दिस बैग बिलोंग टू श्रेया, श्रेयस बाउल. दिस बैग बिलोंग टू श्रेया, श्रेयस बैट. द कॉटेज बिलोंग टू फार्मर्स, फार्मर्स कॉटेज. दिस कार बिलोंग टू अ डॉक्टर, डॉक्टर्स कार. नंबर एट, दिस नोटबुक बिलोंग टू नेहा, नेहास नोटबुक. नंबर नाइन, द स्कारवेल्स बिलोंग टू विमेन, विमेन्स कारवेल. दोस क्राउन बिलोंग टू प्रिंसेस, प्रिंसेस क्राउन. ओके, गॉट इट, समझ में आ गया एपोस्ट्रॉफी कब यूज करते हैं. सो शैल वी मूव टू अनदर चैप्टर. ओके, सो ऑन पेज नंबर 104, चैप्टर नंबर 21. चलो इधर डेट लिखो आज और सी डब्ल्यू लिखो. ओके, चैप्टर नंबर 21, शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स मतलब क्या होता है? आप जो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है. ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, सो यू कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म. और इस उन शॉर्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस. क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, पहले हम रीड करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम फीलिंग कोल्ड. शी इज अ क्लेवर गर्ल. सी दैट शी इज, शी इज. इसको एपोस्ट्रॉफी ऐसा होता है ना, ऐसा शी इज, तो मतलब इसको शी इज बोला जाता है. इतना इज ना लिख कर ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं, मतलब शी इज. देन सेम वे ही इज अ हेल्पफुल मैन, ऐसे ही लिखते हैं. ही इज, हमको इज नहीं लिखना है, सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ही इज. सो ही इज का शॉर्ट फॉर्म है हीज. गॉट इट? He is a helpful man. पर जब प्रोनाउंस कर रहे तब आप he is बोलोगे, बट आप जब लिख रहे हो तब ऐसे apostrophe he और s कर दोगे. ओके, इट्स अ फाइन डे. ये फाइन डे है. इट्स मतलब इट इज, इट इज. सो हमको इतना नहीं लिख रहा, सो apostrophe s कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स अ फाइन डे और इट इज़ अ फाइन डे. आप ऐसे भी बोल सकते हो. वी, जब पीछे ई आर हो ना, वी आर होता है. ई आर मतलब आर, सॉरी आर ई होता है. वी आर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? वी आर ई. ओके, जब भी पीछे आर ई होता है तो उसको आर आर बोलते हैं. जब एस होता है तब वो होता है इज. ओके, ऐसे देखो, आई एम, ये तो आपको पता है, ए एम एम. फिर एस मतलब इज, फिर आर ई मतलब आर, फिर जब पीछे एन टी दिया होता है ऐसे, तो ये हो जाता है नॉट. गॉट इट? इसका मैं आपको टेबल लिखाऊंगी आगे. ठीक है, सो क्या लिखा है? दिस वर्ड्स आई एम, शी इज, ही इज, इट इज, वी आर, दे आर फॉर्म्ड बाय शॉर्टिंग टू वर्ड्स एंड पुटिंग देम टुगेदर. मतलब दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं. सच शॉर्ट फॉर्म्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. मैंने आपको बोला ना पहले, ये वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस. देखो नीचे सम कॉन्ट्रैक्शन दिया गया है आपको. आई एम, आई एम कैसे लिखा है? आई एपोस्ट्रॉफी एम मतलब आई एम. शी इज, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस. सी इज, ही इज एपोस्ट्रॉफी एस. इट इज एपोस्ट्रॉफी एस. वी आर एपोस्ट्रॉफी आर ई. दे आर एपोस्ट्रॉफी आर ई. इज नॉट, इजंट, आई आई एस एंड एपोस्ट्रॉफी टी.
आर नॉट मतलब aren't, डू नॉट डोंट डिज नॉट डिजंट डिड नॉट didn't, have not, haven't, had not, hadn't, will not, won't. देखो इसमें ध्यान रखना, will not का क्या है, won't, W-O-N-T, won't हो जाएगा, okay? Should not, shouldn't, would not, wouldn't, cannot, can't, could not, couldn't. Got it? So ये आपको याद रखना है. Then short forms are formed by shorting two words and putting them together. They are called contraction. आपको पता ही चल गया. शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग मतलब जो आपको पूरा वर्ड दो वर्ड्स दिए गए उनको हम शॉर्ट में लिख देंगे और उनको दोनों साथ में कर देंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, ओके. और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ओके. सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा ये क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट करो चैप्टर नंबर 20 का और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट करो, ओके. सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.